आदिवासी क्षेत्र सरगुजा में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की हालत मद से बदतर हो गई है। स्थिति यह है कि अंबिकापुर नगर निगम से लगे ग्राम पंचायतों में भी पिछले एक साल से इस योजना के तहत घरों में एक बूंद पानी पहुंचाने में भी विभाग के ठेकेदार नाकाम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करना ही बेमानी है। माना जा रहा है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी PHE के अधिकारियों के मिली भगत से ठेकेदार केवल एक घर के सामने नल लगाकर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए निकाल चुके हैं, जिसकी वजह से ठेकेदार काम में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अब BJP के नेता भी इस योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। NDTV की टीम ने शहर से लगे ग्राम पंचायतों में इस योजना की ग्राउंड जीरो की पड़ताल की तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। ये तो 6 महीने हो गया सर, लेकिन अभी तक तो पानी इसमें यूज ही नहीं हुआ है। पानी तो बहुत दूर से लाते हैं, कभी वहां से भी आता है, कभी नहीं आता है, कभी वहां भी जाने के बाद वहां उसको भी छोड़ने के बाद और दूर जाना पड़ता है, पड़ जाता है हम लोग को। जब नल लग रहा था तो ठेकेदार क्या बोला था? ठेकेदार तो बोला था कि दो तीन कर लेंगे, उसके बाद 3-4 महीने के बाद इसमें पानी आना चालू हो जाएगा, ऐसे बोले थे। लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि 6 महीना बीत गया फिर भी इसमें पानी आवे नहीं कर रहा है। कहाँ पानी आई भैया? फिर कैसे करते हैं आप लोग? फिर कोई कोई किराया में ले रही है पानी का, और कोई कोई जाता है बोरिंग। अच्छा, पानी भर ले। तो आप लोग इसकी शिकायत सरपंच ने किया? ए आजकल के सरपंच भैया सब घुसखोरी हैं। अच्छा है, तो दिक्कत हो रहा है आप लोग को? हाँ, हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। सरपंच जब जाएंगे तो वो कहते हैं कि वहाँ से आर्डर आएगा तब ना होगा। क्या करते हैं, 1 किलोमीटर डूब जाते हैं, लेकिन पानी लाते हैं और बस अपने दस्तक का पूरा हो जाता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही दस्तक चाहते हैं कि पानी नल पानी आना चाहिए, घर घर दूर दूर आना चाहिए ताकि सुविधा होना चाहिए हमको। देखिए, जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और उस योजना के अंतर्गत माननीय नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम था कि हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचे, और गांव के लिए तो सपना होता है ये। इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर लगाए गए पूरे प्रदेश भर में, और ख़ास तौर पर सरगुजा लोकसभा के अंतर्गत तीनों जिले में इस योजना का बंदर बांट कांग्रेस की सरकार में हुआ था, और मूल्यांकन से लेकर प्राकलन से लेकर भुगतान तक ये सब हो गया और लगभग 70% स्थानों पर काम पूरे भी हो गए, लेकिन उसमें एक बूंद भी जल किसी घर में पहुंच नहीं पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है, ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है कि हर घर में पानी पहुंचाना है, तो यदि आप वाटर लेवल चेक नहीं कर रहे हैं, ड्राई जोन जो रहता है, जो पहले से PHE को मालूम रहता है ये ड्राई जोन है, वहाँ पर भी आपने एस्टिमेट बना दिया, वहाँ पर भी आपने भुगतान कर दिया, जबकि आपको पता था कि यहाँ पर ड्राई जोन है, यहाँ पानी आना संभव नहीं है। तो ऐसे जो भ्रष्टाचारी, ये जो जनता के पैसे को बर्बाद करने का काम जिन्होंने किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार की अमृत मिशन योजना के तहत हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का जो एक मंशा है, उसके तहत आज भी अंबिकापुर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अंबिकापुर के से लगे हुए ग्राम पंचायत श्रीगढ़ का गाँव है, जहाँ पर अभी भी अमृत मिशन योजना के तहत बनाए गए जो पानी टंकी अधूरे पड़े हुए हैं। इसके बावजूद ठेकेदारों के द्वारा गाँव में नल कनेक्शन तो दे दिया गया है, लेकिन उन नल कनेक्शन में पानी आज तक नहीं आ रहा। इसके बावजूद ग्रामीणों को आज भी पेयजल के लिए 1 से 2 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकार या कहीं जिला प्रशासन अमृत मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाती है। अपने साथ मैं रवि सिद्दीकी, NDTV न्यूज़, अंबिकापुर।